नमस्कार। साधना प्लस के विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में आज हमारे विशेष मेहमान के तौर पर उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर हृदय नारायण दीक्षित जी। हृदय नारायण दीक्षित जी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अत्यंत वरिष्ठ संसदीय मामलों के अनुभवी लोगों में शुमार किए जाते हैं। आज हम उनसे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात, देश में जो विधायी परंपराएं चल रही हैं और जिस तरह से उनका विकास हो रहा है, उन सारे विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। चलिए चलते हैं हृदय नारायण दीक्षित जी के पास। दीक्षित जी आपका साधना प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। दीक्षित जी आप पिछले 40 सालों से आप संसदीय लोकतंत्र का जो जीवन होता है उसे जी रहे हैं और समाज सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में राजनीति की धारा बदली है, विचारधाराएं गौण हुई हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? विचारधाराओं को लेकर राजनीतिक दलों को जाना चाहिए आम जनता के पास। राजनीतिक दल तंत्र में शॉर्टकट अपनाने का चलन बढ़ा और अनेक और उपाय खोजे गए, उनमें से जाति, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, ऐसे अनेक शॉर्टकट उपायों के माध्यम से राजनीति की धारा आगे चलने लगी। विचार आधारित जन अभियान चलाना, विचार आधारित कार्यकर्ता तैयार करना, उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने विचार को आम जनता तक ले जाना, यह काम घटा है। इसके बावजूद वामपंथी दलों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और इधर जो राष्ट्रवादी दल हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी, ऐसे दलों ने विचार के आधार पर कार्यकर्ता गढ़ने का काम, कार्यकर्ता पढ़ाने का काम, कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता के बीच जाने का काम, यह ऐसे दलों ने किया। बाकी दलों को भी करना चाहिए था। हम आरोप तो नहीं लगा सकते, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हमने बहुत तटस्थ भाव से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताया कि वह लोग कार्यकर्ता बनाते हैं, विचार के आधार पर चलते हैं। विचार से हमारी असहमति हो सकती, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित, विचार आधारित, ध्येय आधारित पार्टी है। तो अन्य दलों को भी चाहिए कि विचार लेकर के और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता में जाएं, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। दीक्षित जी आप एक राजनेता के साथ साथ एक अत्यंत विद्वानों में आपकी गिनती होती है। मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ तमाम समाचार पत्रों में, बहुत ही शोधपूर्ण आपके लेख आते हैं। तो जिस तरह से विचारधाराओं का एक तरह से उनकी जो धाराएं कमजोर हो रही, जैसे वामपंथ था, इतिहास देखे तो एक भारतीय जनता पार्टी जो संघ, जो कैडर बेस्ड पार्टी है, संघ जहां कैडर होता है, भेजता है अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में, उसी तरह कम्युनिस्ट पार्टियां होती थी जो अपनी विचारधारा पे बड़ी समर्पित होती थी, लेकिन धीरे धीरे कम्युनिज्म का पूरी दुनिया से सफाया हो गया। हिंदुस्तान की बात करें तो यहां भी जो स्थिति कम्युनिस्टों की है, धीरे धीरे कम्युनिज्म ही समापन की ओर है। तो इसका क्या कारण देखते हैं, और उसके बाद जो उनका खाली हुआ जो स्थान है वो बीजेपी भर रही है, संघ के कैडर भर रहे हैं, तो इसमें दोनों में क्या तारतम्यता देखते हैं और इसका कारण क्या आप देखते हैं? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उत्थान और पतन का इतिहास लंबा है और उसे संक्षेप में नहीं कहा जा सकता। हाँ, बेशक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सारे वामपंथी दल, उनकी असफलता का मूल कारण जो मुझे दिखाई पड़ता, जरूरी नहीं कि मेरी ही बात पूरी हो, जो मुझे दिखाई पड़ता है वो प्रमुख कारण एक ही दिखाई पड़ता है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय राष्ट्रभाव, भारत की सभ्यता, इनको समझने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। वह यूरोपीय चिंतन के आधार पर भारत के समाज को भी अपने ढंग से प्रभावित करना चाहते थे और भारत में इस राष्ट्र के गठन का, इस राष्ट्र के निर्माण का और इस राष्ट्र के विकास का, राष्ट्र रूप में संगठित होने का जो मूल कारण है वो संस्कृति है। और जो वाम दल हैं उन्होंने अपनी विचारधारा में भारतीय संस्कृति, परंपरा और यहाँ के लोगों के विश्वास, यहाँ के लोगों की जीवन शैली, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगता है यही प्रमुख कारण होगा कि वह विचार अपना लेकर कार्यकर्ता तैयार करते रहे लेकिन आम जनता में उनका प्रभाव नहीं बढ़ा। दीक्षित जी आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश
वह राज्य है, कहा जाता है कि देश की संसद का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, देश के सबसे अधिक सांसद उत्तर प्रदेश देता है। जब भारतीय जनता पार्टी की वहां प्रचंड बहुमत की सरकार आई तो पूरे देश में यह मैसेज गया कि वहां जो एक जातीय समीकरण जो बन गया था, जो पूरा प्रदेश एक जाति उसमें बह गया था धारा में, वो कमजोर हुई है और राष्ट्रवाद वहां मजबूत हुआ है। लेकिन अभी अभी दो लोकसभा उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं, पूरे देश में यह बहस पुनः छिड़ गई है कि उत्तर प्रदेश दोबारा अपने उसी जाति आधारित राजनीतिक धारा पर फिर से चल पड़ा है। तो इसको आप कितना सही मानते हैं और इसका क्या आप भविष्य क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश का और भारतीय राजनीति का भविष्य हम आशावादी हैं, उज्ज्वल मानते हैं। छोटी मोटी बातें आया करती हैं और वह कोई इतिहास का पैमाना नहीं होती, बेशक वह घटनाएं होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के दो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी और अब बात बताई जा रही है कि सपा और बसपा के गठबंधन के आधार पर आगे भी भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, ऐसी कल्पनाएं की जा रही। तो उपचुनाव के तेवर, उपचुनाव में कार्यकर्ता का मिजाज ये भिन्न प्रकार का होता है, सामान्य चुनाव में भिन्न प्रकार का होता है। इन दो नतीजों के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का आकलन नहीं किया जा सकता, किया भी नहीं जाना चाहिए। एक भिन्न परिस्थिति है, वो एक भिन्न परिस्थिति है। ये कहीं पर जाति का प्रभाव पड़ा है, कहीं पर प्रबंधन का प्रभाव पड़ा है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश में जैसा राष्ट्रवाद का विचार बनाया गया था और उत्तर प्रदेश की आम जनता ने छोटे छोटे दलों को, क्षेत्रीय आधार वाले दलों को नकार कर जिस तरह राष्ट्रवाद के साथ खड़े होने का अपना संकल्प व्यक्त किया था पिछले चुनाव में, जिसमें हम लोग जीत कर आए हैं, उसके बाद योगी जी की सरकार अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ी और कोई भी विपक्ष का भी कोई नेता और विधायक योगी जी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाया, योगी जी की सरकार पर नीयत ठीक न होने का आरोप नहीं लगा पाया। और मुझे तो आश्चर्य है, मैं व्यक्तिगत रूप में छात्र जीवन से मानता था कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक हो सकता है लेकिन बिजली नहीं ठीक होगी, और उत्तर प्रदेश में सब जगह बिजली जा रही, मुझे आश्चर्य है। न कहीं कोई नया पावर हाउस लगा, न ही उत्पादन में वृद्धि हुई, उतने ही सेटअप से उत्तर प्रदेश में सब जगह बिजली जाने का काम। इस तरह अनेक ढेर सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर यहाँ चर्चा करना एक संक्षेप साक्षात्कार में उचित नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश का वातावरण जैसा था वैसा है। हाँ, ये घटनाएं जो दो हुई हैं इनको लेकर राजनीतिक हलकों में बहस चलनी चाहिए, लोकतंत्र है। आपकी पार्टी के कभी थिंक टैंक रहे गोविंदाचार्य जी ने एक शब्द कहा था, सोशल इंजीनियरिंग। मुझे जहां तक स्मरण है, ध्यान है, जब मायावती से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ तो उन्होंने कहा यह सोशल इंजीनियरिंग है, और वो शब्द पूरे देश के लोकतंत्र में, राजनीति में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो क्या ये जो अभी जो उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं, क्या उस सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग समाजवादी पार्टी ने बहुत सफलता से किया है, आप ऐसा मानते हैं क्या? अब ये बात तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी बता पाएंगे, लेकिन इसमें कहीं कोई सोशल इंजीनियरिंग दिखाई पड़ती? पहली बात तो समाज जीवंत लोगों का समूह होता है, व्यक्तियों का, और प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअल अपने विचार रखता है और समूहगत भी रखता है। तो उस और इंजीनियरिंग हमेशा पदार्थ में होती कि इस पुर्जे को यहाँ जोड़ लेना, इसको घटा देना, इसको। तो इंजीनियरिंग शब्द को मनुष्य के समन्वय में जोड़ना हम उचित नहीं मानते, और ना ही कोई उन्होंने इंजीनियरिंग की है। अगर इंजीनियरिंग की बात थी तो ये पहले भी हो सकती थी, नहीं हो पाई। ना ही कोई तालमेल पहले बैठा, नहीं तो मायावती जी कम से कम एक सीट मांगती। बाद में एक विचार आया, मायावती ने स्पष्ट भी किया था, मायावती जी ने, कि हमको राज्यसभा के चुनाव का गणित बैठाना था इसलिए समर्थन दिया, हमारा कोई गठबंधन नहीं हुआ। और लोकतंत्र में गठबंधन चलते हैं, विपरीत विचार वालों के भी चलते हैं, अपने भारत में बहुत चलते हैं। गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसको लेकर आदरणीय मायावती जी बहुत नाराज थी, ऐसी अनेक घटनाएं हुई जिसको लेकर वह नाराज थे। तो लोकतंत्र में तालमेल ऐसा होना चाहिए। नहीं, अभी आपने जैसा कहा कि यह जो गठबंधन है लोकतंत्र के लिए हितकारी होता है, लेकिन योगी जी ने इसे सौदेबाजी बताया। आपने चुनाव का जब परिणाम आया तो उन्होंने तमाम जगह बात कही, चुनाव के पहले भी अपने
प्रचार कार्यक्रमों में भी उन्होंने कहा कि यह एक सौदेबाजी है भाजपा को हराने के लिए, तो आप इसको किस रूप में उनके इस बयान को लेते हैं? नहीं, हमने भी वही बात कही, उन्होंने बहुत स्पष्ट वक्तव्य दिया कि यह सौदेबाजी है। हमने भी वही बात कही कि लोकतंत्र में गठबंधन बड़ा उपयोगी होता है, अच्छा होता है, शर्त यह है कि विचार के आधार पर हुआ हो, हमने ये कहा। और चूंकि विचार के आधार पर यह नहीं हुआ था, इसलिए इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। बस उन्होंने उसको सौदेबाजी कहा, हमारा कहना है कि विचार के आधार पर नहीं हुआ, तो किस तरह हुआ ऐसा उन्होंने बता दिया। आप बीजेपी के विधायक भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष के पहले आप बीजेपी के विधायक हैं, और बीजेपी के थिंक टैंक्स में आपका नाम आता है सबसे प्रमुख लोगों में पूरे देश के स्तर पे। इन्होंने बिहार में जिस तरह से कांग्रेस और उन्होंने गठबंधन किया लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने और नीतीश जी की, और वहां एक अच्छा रिजल्ट बीजेपी के खिलाफ मैंडेट लेके आए। फिर अभी उत्तर प्रदेश के हाल के उपचुनाव का परिणाम आपके सामने है, तो क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह का जो समीकरण बनता है जाति या धर्म के आधार पे, उससे लड़ने के लिए बीजेपी के पास कोई स्पष्ट नीति, कोई रणनीति नहीं है और एक चुनौती के तौर पे आपके सामने? आपने बिहार का उदाहरण दिया और ये बताया अभी आपने कि एक मजबूत गठबंधन बनाकर नीतीश जी और लालू जी और ऐसे लोग सत्ता में आ गए। चूंकि उस गठबंधन का कोई वैचारिक अधिष्ठान नहीं था, इसलिए वो गठबंधन चला नहीं, और सरकार चलते हुए भी वो गठबंधन टूट गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी दोस्ती हो गई। तो जब कभी विचार नहीं होता गठबंधन में, तालमेल होता है कि यहाँ से हमारा जीत जाए, यहाँ से आपका जीत जाए, तो ऐसा गठबंधन और ऐसी राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण है, एक विचार है हमारा, इस विचार के साथ जिसका समन्वय बैठता हो वो आए। और उत्तर प्रदेश में हमारा अपना दल से गठबंधन है और अपना दल के हम लोग हमारे मंत्रिमंडल में भी हैं, ऐसे ही छोटे मोटे दो एक और दल हैं उनसे भी हमारा गठबंधन है और वह भी हमारी सरकार में साझेदार हैं। तो सबसे अच्छा गठबंधन अगर इस देश में किसी ने चलाया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था, अनेक दलों को समन्वय बनाकर और जो क्षेत्रीय दल हैं उनको राष्ट्रवाद समझाकर एक लंबे समय तक दीर्घकालीन सरकार चली थी सबके साझे वाली। तो जब कभी, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आपने भी वहीं से बात शुरू की थी कि राजनीति में विचार होना चाहिए, विचार के आधार पर संगठन होना चाहिए, गठबंधन भी होना चाहिए लेकिन विचार के, जहां तालमेल हो, जैसे बंगाल में वाम मोर्चा रहा तो उसके सारे दल छोटे छोटे हैं लेकिन सबका विचार लगभग वामपंथी है, इसलिए वो मोर्चा और गठबंधन सत्ता से अलग हुआ, अलग बात है, लेकिन वो जमीन में दिखाई पड़ता है। दीक्षित जी, आप राज्य देश के सबसे बड़े राज्य के विधानसभा अध्यक्ष हैं, अभी आपने देखा होगा गुजरात विधानसभा में किस तरह का हंगामा हुआ, कश्मीर की विधानसभा का हंगामा, कोई भी सत्र ऐसा होता नहीं जिसमें मारपीट न हो, उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य है, आइडियल स्टेट के तौर पर माना जाता है, यहां भी हंगामे की भेंट ज्यादातर सत्र चढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश तो इस मामले में बदनाम है, तो इसका क्या इलाज है और ऐसा होता क्यों, ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ती जा रही है कि पहले की तुलना में विधानसभाओं के काम के घंटे कम होते जा रहे हैं और हंगामे के घंटे बढ़ते जा रहे हैं, इससे किसका नुकसान है, पब्लिक का नुकसान है या पब्लिक के पैसे का नुकसान है, और इसको किस तरह से रोका जा सकता है? आम जनता का नुकसान है, सदन चलता है आम जनता को फायदा होता है, सदन चलता है विधायकों को फायदा होता है, विधायकों को फायदा ऐसे होता है, मैं अपने यहाँ से विधायक हूँ, इस समय तो अध्यक्ष हूँ, हम मानकर चलते हैं कि सब अध्यक्ष नहीं होते, एक हम भी साधारण विधायक की तरह होते, सदन चलता है तो विधायक अपनी बात कहता है, बात कहता है तो सरकार सजग होती है, कहीं गड़बड़ी होती है विधायक ध्यान आकर्षण करता है, उस गड़बड़ी की ओर सरकार का ध्यान जाता है, सदन चलता है तो नौकरशाही अपने अपने जिलों में, अपने अपने ब्लॉकों में, तहसीलों में डरा करती कि यहाँ सवाल ना आ जाए कोई। सदन चलाकर ही भारतीय संविधान निर्माताओं के उस सपने को पूरा किया जा सकता है। संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका का सरकारी तंत्र पर, नौकरशाही पर नियंत्रण हो, तो विधायिका नियंत्रण करेगी विधानसभा चलाकर, लोकसभा चलाकर। आप ये बात ठीक कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विवाद हुआ, गुजरात का विवाद ताजा है, हमारे यहाँ भी कई विवाद पहले हुए हैं, मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में ऐसे विवाद नहीं हुए, ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन मेरे कारण नहीं हुए ऐसा मैं नहीं कहता,
क्योंकि नहीं अब प्रचंड बहुमत में है, संख्या आपकी ज्यादा है, विवाद होता है तो पता भी नहीं चलता है। नहीं पता चल, विपक्ष बहुत कमजोर है उत्तर प्रदेश में भी। कमजोर नहीं, विपक्ष कभी कमजोर नहीं होता। विपक्ष तो पहले सुनिश्चित ही है कि अगर कम संख्या में आया तभी वो विपक्ष होगा। ये तो नियत ही है कि जिसको कम मत मिलेंगे वही तो विपक्ष होगा। संसदीय जनतंत्र में आम जनता ही किसी को सत्ता पक्ष बनाती है और आम जनता ही किसी को विपक्ष बनाती है। आम जनता सरकार से उम्मीद करती है कि हमने आपको बहुमत दिया, आप काम करो। विपक्ष से उम्मीद करती कि हमने आपको वहां बैठाया, आप वहां चौकीदारी करो, निगरानी करो, इनकी गलती निकालो, जोर से बोलो। तो हमारे यहां और सब जगह मेरी मान्यता है, अध्यक्ष के रूप में मेरी मान्यता है कि सदन में खूब गर्म बात होनी चाहिए, खूब आड़ी तिरछी तीखी आलोचना होनी चाहिए। इसलिए कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो तीखी आलोचना करे और सत्ता पक्ष को आलोचना सुननी चाहिए, उत्तर देना चाहिए। हाँ मैं बार बार वहां अपने विधानसभा में कहता हूं, भाई उमस तो ठीक है, बेचैनी ठीक है, गर्मी ठीक है, लेकिन आंधी नहीं आनी चाहिए, आंधी में सब उड़ जाएंगे, उखड़ जाएंगे। तो मैं लगातार प्रयास करता हूं, उनके साथ बैठता हूं और अनेक बार मुझे सफलता भी मिलती है, लेकिन ये सफलता मेरी नहीं, विपक्ष की और सत्ता पक्ष के विधायकों की मिलाकर है कि वह हमारी बात मान जाते हैं। श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा हुआ था, उसके बाद आधा घंटे के लिए, एक घंटे के लिए कभी कभी थोड़ा गर्मी आई, कोई हुल्लड़ हुआ, लेकिन सामान्यतः हमारी विधानसभा ठीक चली। और जगह भी चलनी चाहिए, सब जगह चलाई जा सकती है, लेकिन जो पूरा दल तंत्र है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की बात करो, सारी पार्टियों की, छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, कांग्रेस, सारी पार्टियां, कोई कहीं प्रतिपक्ष है, कोई कहीं सत्ता पक्ष है, ये पूरा का पूरा दल तंत्र संसद और विधानमंडल की भावना को समझने का प्रयास करें कि यहां पर बहस से ही जन समस्याओं का समाधान होगा, चिल्लाकर नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे दीक्षित जी आप, लेकिन ये प्रवृत्ति जो है बहुत तेजी से बढ़ी है और अब और लगे हाथ। एक बात मैं समाचार माध्यमों के बारे में भी कह दूं, अपने यहां मैं कहता हूं, वो मित्र मंडली में कहता हूं, ऑन कैमरा नहीं कहता हूं, मेरा मन है कि आज मैं ऑन कैमरा कह दूं कि मैं विधायक होकर आता था और रात भर तैयारी करता था, कभी कभी बोलने को मिल जाता था, बहुत सुंदर बोलता था, लेकिन अखबार में हमारा नाम नहीं होता था। अखबार में उसका नाम होता जो जोर जोर से चिल्लाता था, अपशब्द कह देता था, जो निकाल दिया जाता था। तो चार साल बीत गए, पाँच साल बीत गए, मैं कई बार विधायक रहा, फिर हमने खूब स्टडी की तो अच्छे भाषण देने लगा, तो हमारे पत्रकार मित्र हमको बहुत बधाई देते थे, आज सर बहुत अच्छा भाषण रहा, आज बड़ा आनंद आया। तो हम पूछते थे भाई इतना बढ़िया रहा तो अखबार में क्यों नहीं आया। तो वो जो जो पोर्शन कृष्ण पक्ष होता है जी, तो वो उसको ज्यादा महत्व मिल जाता है जो पोर्शन शुक्ल पक्ष होता है। दो तीन मामलों में हमने दुनिया भर की विधानसभाओं का, अफ्रीका के और लंदन के, अमेरिका के सीनेट के उदाहरण दिए, इसी पर की संसदीय कार्यवाही में बाधा एक व्यवस्था में दे रहा था। तो मेरे मन में था कि ये हमने इतना मेहनत करके दिया है तो ये अखबार में आएगा, तो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया में चार लाइन है, बाकी जगह नहीं है। तो ये भी एक बात है, पत्रकार मित्र कृष्ण पक्ष दिखाएं पूरा का पूरा, थोड़ा शुक्ल पक्ष भी दिखाएं। दलीय निष्ठा पे आते हैं दीक्षित जी, आप अभी आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों में दलीय निष्ठा बहुत तेजी से टूटी है, लोगों की जो निष्ठाएं थी वो प्रभावित हुई है और उसका सबसे बड़ा श्रेय आपकी पार्टी को जाता है। तमाम कांग्रेस के लोग आज भाजपा की राजनीति के प्रमुख चेहरे हैं। अभी हाल ही में नरेश अग्रवाल, जिनके खिलाफ कई दिनों तक भाजपा ने संसद नहीं चलने दी थी उनके एक बयान पे, उनको पार्टी में शामिल किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए दिल्ली में बयान दिया जया बच्चन पे, जो अभद्रता की श्रेणी में आया, जिसका सुषमा स्वराज जैसी आपकी सीनियर लीडर ने अपोज भी किया, विरोध भी किया, उस बयान को उचित नहीं मानते। आप इस दलीय निष्ठा को टूटने का क्या कारण देखते हैं और आइडियोलॉजिकल पार्टी माने जाने वाली, चाल चरित्र और चेहरे में डिफरेंट, या पार्टी भी डिफरेंट के नारे वाली पार्टी क्यों इसका वायस बन रही है? नहीं आते तो हैं लोग, आना जाना चाहिए, लेकिन वो हमारी विचारधारा को स्वीकार करके उसमें बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे हम सीधे प्रत्यक्ष रूप से संघ के कार्यकर्ता रहे हैं और संघ के कार्यकर्ता के रूप में हमारा विकास हुआ, फिर भारतीय जनसंघ, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर प्रदेश में उपाध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी, ऐसा मैं उन्नति करते हुए अपनी पार्टी में आगे बढ़ा।
नरेश जी अगर भारतीय जनता पार्टी के कैडर होते तो जया जी के बारे में ऐसी बात ना करते। हम जो हमारी पार्टी के संस्कार या रीति नीति है उसमें हम किसी को अपशब्द नहीं कहते। तो जो लोग आ रहे हैं, जो पहले जय श्री राम कहने में हमारी आलोचना करते थे, तो जय श्री राम का नारा लगाकर आ रहे हैं और उनको हम कोई लीडरशिप सौंप रहे हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, ऐसा तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा होगा आपको। साधना प्लस में आने, अपने अनुभव शेयर करने, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर हृदय नारायण दीक्षित, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने राजनीतिक जीवन के संघर्ष और उतार चढ़ाव के बारे में हमसे विस्तार से बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अभावग्रस्त होते हुए भी अपनी ईमानदारी और अपना आम आदमी के हित के लिए जो संघर्ष का मादा था उसे नहीं छोड़ा। निश्चित ही इनका जीवन एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगले हफ्ते मिलेंगे हम ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहिए साधना प्लस।